هلا مها هلا عمري تدللي يا بنيتي السواق راح يودي امك عند خالتك زين زين انا بتصل بعامر اخليه يجي ياخذ سيارتي ويمر عليك ايش تبي بعد؟ تدللي تدللي طيب ومشاويري متى اخلصها؟ ابشر ابشر خلاص خلاص يبا ابا امرك اخذ سيارتك وراح امرها مع السلامه वालेकुम रिम्स वरम वर्क तो दोस्तों कैसे मिजाज है आप सबके उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे तो जिन लोगों ने भी दरुश रूफ नहीं पढ़ा वो लोग दरू शरीफ पढ़ लें और जो है मजीद इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी अरबिक सीख सकें तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग जान लें कि आज की वीडियो जो है वो किस बारे में है आज की वीडियो खासकर मेरे उन ड्राइवर हजरात के लिए हैं जब जब कोई कोई मिशवार जाना होता है उन्हें किसी को लेना होता है किसी को छोड़ना होता है कोई काम करना होता है तो वो किस तरह सऊदी के साथ या किसी अरबी के साथ डील करेंगे फोन पर ठीक है जब हम आ, फेस टू फेस होते हैं इशारों से अपनी हरकत से फिर भी सेटिस्फाई कर सकते हैं जब हम फोन पर किसी के साथ बात कर रहे हो तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उसमें आप लोगों को अल्फाज का जो प्रनउंसिएशन है जो तलफ है वो आपको एकट बोलना ही पड़ेगा हर सूरत ठीक है नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और काम जो है कहाँ का कहाँ हो जाएगा एक तो ड्राइवर हजरात मेरी जो है बात समझ रहे होंगे वहां पर यू टर्न भी कितने दूर दूर दस दस बारह बारह पंद्रह पंद्रह किलोमीटर के बाद आते हैं एक थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो उसमें कितना बंदा लेट हो जाता है ठीक है तो वो लोग मेरी बात खूब समझ रहे होंगे तो आज की वीडियो खास मेरी उन ड्राइवर हजरात के लिए है जो कि होम ड्राइविंग कर रहे हैं वहां पर जो है अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में बरकत दे उनकी मुश्किलें आसान करे और उनको जो जबान बोलने में परेशानी आ रही है मैं चाहता हूं कि वो लोग जल्द से जल्द अरेबिक सीख सकें ठीक है तो आज की वीडियो आप लोगों को किस तरह से लगी हुई मुझे ज़रूर बताइएगा और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे पता चले कि मेरी ऑडियंस कहाँ से है तो मैं उन लोगों के लिए उस हिसाब का जो है कॉन्टेंट तैयार करूं, ठीक है और उस उन, उन इलाके की जो है जबान मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से बोल रहे हैं तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं और वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे को करें और बेलकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बसानी पहुंच सके तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं हाला चलिए हम एक एक लव्ज की मीनिंग जान ले उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे हाला का मतलब तो आप लोगों को जान, जानते ही होंगे कि हेलो जब किसी को वेलकम कहा जाता है फोन के ऊपर ठीक है ये बहुत ही आम लफ्ज है और आप भी अक्सर बोला करें और माह जो है उसकी बेटी का नाम है ठीक है हला माह ठीक है उसके बाद वो कहता है हाला उमरी हाला जो है वो तो आप लोगों को जान ही गया उमरी का मतलब जो है वो अक्सर बड़े ही प्यार से कहा जाता है यानी कि मेरी जान ठीक है उमरी मेरी जान यानी कि माई डियर ठीक है और तदल्लई का जहां पर ताल्लुक है इसको भी अच्छी तरह जान लें ये ये जो है बड़ा ही एक प्यारा लफ्ज है किसी को बड़े ही मोहब्बत और इज्जत के देने के जो है उसमें आ जाता है जब भी आप किसी को इज्जत देते हैं तो आप उसको कहेंगे तदल्लई और इसके मीनिंग जो है वो ये है कि हुक्म करो ठीक है फील फ्री यानी कि टेंशन मत लो कोई ऐसा मतलब कि अपना ख्याल रखो ये बहुत सारी उसमें आ जाता है लेकिन यहां पर आप लोगों को समझाने के लिए इतना काफी है कि जब भी आप किसी को कहेंगे तदल ललई यानी कि हुक्म करो अपना ख्याल रखना ठीक है ये बहुत सारी मीनिंग्स में आ जाता है तदल्लई यानी कि हुक्म करो फील फ्री और या का मतलब यानी कि ए ओ ठीक है उसमें आ जाता है बुनैती यानी कि मेरी बेटी ठीक है माई डॉटर तो चलिए अब मुकम्मल आ, की ट्रांसलेशन करते हैं हल मह हल उमरी तदल या बने थी यानी के हाय माह हाय मेरी जान हुक्म करो मेरी बेटी ठीक है तो ये इसके लफ्जी बने बनेंगे इंग्लिश में बोलेंगे हेलो महा हेलो माय डियर फील फ्री माय डियर ठीक है चलिए अब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ जाते हैं السواق راح يودي امك عند خالتي السواد راح يودي امك عند خالتي السواد راح يودي امك عند خالتي चलिए एक एक की मीनिंग जान उसके बाद हम ट्रांसलेशन करते हैं अल्सवाद जो है ड्राइवर को कहा जाता है ठीक है ड्राइवर और यानी कि जाएगा या चला गया है या जा रहा है ये उसमें आ जाएगा राह यानी कि चला गया है विल गो ठीक है युवदी युवदी का मतलब होता है यानी कि ले जाएगा ठीक है यानी कि पहुंचाएगा ठीक है विल टेक यानी कि ये जो है फ्यूचर सेंटेंस में जो है इस्तेमाल किया जाता है ठीक है राह का मतलब जाएगा युवदी यानी कि पहुंचाएगा ठीक है पहुंचाने को भी कह जाते हैं ले जाएगा वहां पर उसको पहुंचाएगा ठीक है ये वद्दी। जैसे हम अक्सर अपनी ज़बान में बोलते हैं लोकल यानी कि मुझे वहां पहुंचा दो वहां मुझे छोड़ दो तो ये उसके मीनिंग में आ जाता है ठीक है और उम्मत यानी कि तुम्हारी माँ तुम्हारी वालदा यूर मदर ठीक है और इंद के जो मतलब है यानी कि के पास ठीक है के पास पास यानी कि टू और किसके पास खालती खालती यानी कि मेरी जो खाला है माय आंट ठीक है चले अब मुकम्मल की जो है ट्रांसलेशन करते हैं यानी कि ड्राइवर तुम्हारी माँ को मेरी खाला के पास ले गया है ठीक है या लेके जा रहा है और इंग्लिश में बोलेंगे द ड्राइवर विल टेक यूर मदर टू माई आंट ठीक है अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें चले अब हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या होता है खल हिज सतीयर आलिकेन जेन अनाब तसल आमिर खली हिजी या खुद सियारती बेमुर आलिकेन जेन

आमिर को ये जो बाज़ जो लगा है आमिर को ठीक है आमिर को और खली का मतलब यानी कि खली का वैसे मतलब जो है वो ज्यादातर हम कहते हैं इनके इसको छोड़ो ठीक है लेकिन यहां पर जो इसके सेंटेंस मेकिंग में जो है हम यहां पर लेंगे यानी कि उसे कहो से हिम ठीक है टेल हिम खली और हिजी जी का मतलब यानी कि ये भी फ्यूचर सेंटेंस के लिए होगा आप लोग अक्सर फीट कॉमेंट कहते करते रहते हैं कहते हैं कि सर आप फ्यूचर और ये सब समझाया करें पास्ट प्रेजेंट तो आप लोग जो है इसको भी नोट कर रहे अब इंशाल्लाह जितने भी videos आया करेंगी उसमें आप लोगों को समझाया जाएगा कि ये लव्ज फ्यूचर पास्ट या प्रेजेंट के लिए बोला गया है ठीक है हिजी यानी कि वो आएगा या वो आए ठीक है प्रेजेंट और फ्यूचर जो है मिलते जुलते होते हैं टू कम या खुद यानी कि ले जाए जैसे हम कहते हैं खुद हादसा तो ये या खुद यानी कि उसको ले जाए टेक हिम ठीक है सयारती यानी कि मेरी गाड़ी माई कॉरमोर यानी कि मैं गुजरूंगा करूंगा किसी एक्टिविटी को कहा जाता है यानी किसी चीज का करना ठीक है और मैं गुजर जाऊंगा और मैं ले जाऊंगा और मैं करूंगा ये सब उसमें आ जाता है वे मोर ठीक है एंड आई विल पास बाय और अलेक यानी कि तुम्हारी तरफ तुम्हारे पास ठीक है यानी कि यू हैव उसमें जो है आया जाता है अब इसकी मुकम्मल जो है ट्रांसलेशन करूंगा तो आपको समझ में आएगी चलिए अब मैं दोबारा इसकी बताता हूँ अच्छी तरह इसका सैरती ठीक है तो इसके मीनिंग बनेंगे ठीक है ठीक है मैं आमिर को फोन करूंगा उसे कहूंगा कि वो आए मेरी गाड़ी ले जाए और मैं तुम्हारे पास गुजर जाऊंगा या आ जाऊंगा ठीक है तो ये जो है इसके लफ्जी माने बनेंगे इंग्लिश में बोलेंगे ओके ओके आई आई विल विल कॉल टेल हिम टू कम टेक कार एंड पास बाई यू ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि ये सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बस में पूछ सकते हैं चले अब हम आगे बढ़ते हैं बाद, देल लाग, देल लाग। बाद, अब देखें ये उसका इतना मतलब अपनी बेटी को प्यार करता है अब इसके मीनिंग आप जब जान लेंगे तो आप लोगों को आ, समझ में आएगी कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करता है और क्या कह रहा है उसको एश का मतलब होता है वॉट यानी कि क्या तिबी यानी कि चाहती हो ठीक है तिबी यानी कि चाहती हो डू यू वॉट बात यानी कि और

मतलब होता है यानी कि ठीक है ओके वो मशावीर यानी कि मशावीर कहते हैं काम को जैसे कोई आ, काम होते हैं ठीक है एंड इवेंट्स यानी कि जो बहुत सारे काम काज होते हैं एक्टिविटीज होती है उसको मशावीर कहा जाता है ठीक है मता यानी कि कब When? खलस हा। अब लफ्ज़ जो है आप लोग अपने जहन में बिठा लें खल ये जो है फीमेल के लिए कहा जाता है हा अलिफ हा जो है ये किसी फीमेल के बारे में कहा जा रहा है इससे पता लग जाता है कि वो किसी औरत के बारे में बोल रहा है खत्म करेगी ठीक है शुड आई फिनिश्ड या शुड शी फिनिश्ड ठीक है इसमें यह भी आ सकता है चलिए अब हम मुकम्मल की ट्रांसलेशन करते हैं तयब ओ ब मता खलसा यानी कि ठीक है और काम कब खत्म करेगी ठीक है ها. أبشر أبشر خلاص خلاص يوبا أبا مرك أخذ سياراتك ورح مرها مع السلامة أبشر أبشر خلاص خلاص يوبا أبي أمرك أخذ سيارتك واروح أمرها مع السلامة चलिए अब एक एक लफ्ज की मीनिंग जान ले उसके बाद आप लोग को समझ में आएगी कि यह क्या कर रहा है का मतलब होता है यानी कि ठीक है तय अब शर, ये दोनों सेम टू सेम है खलास खलास यानी कि ठीक है ठीक है ये दो लफ्ज जो है अपने जहन में बिठा लें जब भी आपको आपने किसी को डन करना है तो आप कहेंगे अब यानी कि ठीक है ऑल राइट और खलास के मीनिंग जो है वो भी मतलब उसमें आ जाता है किसी को सेटिस्फेक्शन देनी है किसी को कंफर्मेशन देनी है तो आप कहेंगे खलास खलास यानी कि खत्म खत्म करो फिनिश करो सब ठीक है इट्स डन तो ये दोनों लफ्ज इसके लिए खास होते हैं जब आप बात अपनी खत्म करना चाह रहे हैं किसी को कंफर्म कर रहे हैं तो आप कहेंगे अब ठीक है ये दोनों लफ्ज कहा कहा जाएगा युबा यानी कि वो कह रहा है ए बाबा, ए बाबा मेरे फादर ओ डैड ठीक है ये उसमें आ जाएगा अभी यानी कि मैं चाहता हूं आई वॉन्ट अमर्रक यानी कि तुम्हें हुक्म दू या तुम्हारी साइड पे आऊं या जो तुम्हें कोई कमांड दू तो ये उसमें आ जाता है तुम्हारी तरफ आऊं ठीक है बिमुर और अमुर्रक ये दोनों सेम टू सेम है अमुर्रक यानी कि तुम का इसमें जिक्र हो जाएगा ये जो काफ है तुम हुक्म दो या तुम्हारी तरफ आता हूं ये उसमें आ जाएगा। लूंगा, ले जाऊंगा आई विल टेक ठीक है आहुद क्या टेक करूंगा अब आगे एक दूसरा है सैरा तक यानी कि तुम्हारी गाड़ी योर कार योर कार ले जाऊंगा ठीक है तुम्हारी गाड़ी ले जाऊंगा वो आरोप वह अरोह हम रोह रोह पे जो है ना हमारी जो घड़ी है वहां पर अटक जाती है रोह के आगे हमें कोई समझ में नहीं आ रही उसके साथ कितने कुछ चेंज हो जाता है फॉर्म चेंज हो जाती है वर्ब चेंज हो जाता है हम बस रोह के आगे हमारी जो है खलासा हम जान छुड़वा देते हैं जब भी जाना हो रोह कहकर हम हम जान छुड़ा दे अब यहां पर व अरोह यानी कि और जाऊं और जाऊं वाह का मतलब होता है और और अलिफ जो लगा है और मैं जाऊं ठीक है इसके ये मीनिंग होगा एंड आई गो अमरह यानी कि काम निपटा दूंगा ठीक है फिनिश टास्क। और उसके बाद वो कहता है आखिर में महसल ठीक है महसलामा यानी कि अल्लाह आपको सलामत रखे अल्लाह हाफिज तो चले अब मुकम्मल की ट्रांसलेशन करें अब शर, अब शर, खलास खलास अबी मुख सर तक आरु है यानी कि ठीक है ठीक है सब ठीक है ए बाबा मैं चाहता हूं कि तुम हुक्म दो मैं तुम्हारी गाड़ी ले जाऊं और काम निपटा दू अल्ला हाफिजा तो दोस्तों ये थी आज की, आज की वीडियो आज की वीडियो आपको किस तरह से लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जरूर शरीफ लाजमी पढ़ा करें Okay, take care, Allah Hafiz.